जब हम एक्सट्रैक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपने एक मेथड uh, कुछ पीस ऑफ कोड को उठाया और उस पीस ऑफ कोड के कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसको एक मेथड आपने बना दिया। तो द प्रोसेस इट्सल्फ इज वेरी सिंपल और इसमें को खास बात याद रखने की और सोचने की नहीं है वो एक दो पिटफॉल्स हैं जिसको आपको सोचना है और कुछ आपको क्या है कि वेरिएबल्स का आपको ख्याल रखना है एंड दैट्स अबाउटेड लेकिन एक उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोड जो है वो रीडेबल हो सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट जिसमें है कि कोड को पढ़ के समझ आए कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर हो क्या रहा है? ठीक है जी और उसमें आपके जो आइडेंटिफायर्स जो आप याद यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल आपके जो मेथड का नाम है और आपके जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो अगर मीनिंगफुल होंगे तो फिर वो उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी कोड को समझने में जिसने भी उस कोड को पढ़ना होगा तो जब हम इस कोड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं जो अभी हमने जिसकी एक्सट्रैक्ट किया था मेथड का तो हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स थे एक वेरिएबल ईच और एक वेरिएबल दिस अमाउंट ये दो वेरिएबल्स थे जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं एक इनपुट पैरामीटर दी अदर वन इज एन आउटपुट वैल्यू जो कि उसमें कैलकुलेट हो रही है। जब ये मेथड जब ये पीस ऑफ कोड एक्सट्रैक्ट किया गया था जिस जगह से वहाँ पर इन दो वेरिएबल्स का एक कॉन्टेक्स्ट था इन नामों का एक मतलब था ईच का क्या मतलब था कि ईच वो एक लूप थी जिसमें एक कलेक्शन में से आप वन बाय वन आप रेंटल्स uh, उठा रहे थे और उसके लिए आप इसे प्रोसेस कर रहे थे सो वो दैट इन दैट पर्टिकुलर केस दैट ईच मेड सेंस इसी तरीके से दिस अमाउंट मेड सम सेंस में दिस अमाउंट शायद यहाँ पर भी कुछ उसकी uh, कुछ थोड़ी बहुत सेंस बनती हो लेकिन शायद उतनी नहीं लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस जब ये एक मेथड बन गया अब यहाँ पर हम देखते हैं यार ये ईच ये क्या चीज़ है ईच का क्या मतलब है इट डजेंट मीन एनी थिंग सो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ मोर मीनिंगफुल नेम यहाँ पर क्या मीनिंगफुल नेम हो सकता है यहाँ पर ये जो ईच के लिए हम रेंटल हम यूज कर सकते हैं विच विल कन्वे द मीनिंग कि ये हो क्या रहा है? ये एक रेंटल है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट फॉर अरेंटल अगर मैं इस फंक्शन को पूरा पढूं तो दिस फंक्शन अगर उसका टाइटल जो है फंक्शन का जो नाम जो है वो अमाउंट फॉर है और जो पैरामीटर जो जा रहा है अरेंटल है सो दिस इज बेसिकली व्हेन आई रीड दिस थिंग इट कन्वेज द मीनिंग दिस कैलकुलेट्स द अमाउंट फॉर रेंटल जो कि आप पास ऑन करेंगे और दिस अमाउंट को हमने रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया दिस अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस डजन मेक अ लॉट ऑफ सेंस तो हमने इसको वंस अगेन एक ज़्यादा मीनिंगफुल नाम से रिजल्ट से आपने हमने उसको कर दिया तो यहाँ पर हमारा जो है ये एक मेथड हमारा बन गया जो कि अब ज़्यादा मीनिंगफुल है इट इज़ मोर रीडेबल वंस वी हैव दैट उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल आम इसे कैसे करते हैं कि जहाँ पर वो पीस ऑफ कोड था अब उस पीस ऑफ कोड को आपने निकाल के वो स्विच स्टेटमेंट जहाँ पर थी वहाँ पर वो दिस अमाउंट जो कैलकुलेट हो रहा था तो हम ये कहते हैं दिस अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट फॉर ईच जो के वो उसमें एज पैरामीटर पास हो रहा है तो यहाँ पर उसको फंक्शन कॉल से आपने उसको रिप्लेस कर दिया और इस तरीके से आपने ये मूव आपने एक्सट्रैक्ट मेथड किया और फिर मेथड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसको एज अ मेथड आपने उस पीस ऑफ कोड को कॉल कर लिया एंड अब यहाँ के इस में से वो वो जो चीज़ है वो निकल गई और आप देख सकते हैं कि इससे उसका साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और पढ़ने में भी इसको आसानी होगी जितना आप साइज़ रिड्यूस करते जाएंगे और इस जितना आप इसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और जितना आप इसको इस लेवल पे ज़्यादा मीनिंगफुल करते रहेंगे तो यहाँ पर ये यह चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर दिस अमाउंट ये कैलकुलेट हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू जो कि अमाउंट फॉर का फंक्शन है